आज हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट किस प्रकार से बीमारियों को ठीक करता है, ऐसी उसमें क्या खूबी है, आज की चर्चा इसी पे होगी। देखिए, हमारे देश में तकरीबन 8 प्रकार के मिलेट्स हैं, और जिनमें जिन पांच मिलेट्स की मैं बात करता हूँ, उनमें जो फाइबर का प्रतिशत है वो 5% से लेके तकरीबन 12-13% तक फाइबर उसके अंदर है, और बाकी के जो 3 मिलेट्स हैं, ठीक है, 3-4 मिलेट बाकी के जो हैं, उनमें फाइबर की संख्या जो है 5% से कम है। तो उन्हें जो है, जो मैं खाने को बोलता हूँ वो यही 5 है, ठीक है। हम चर्चा जो है दोस्तों इन्हीं की कर रहे हैं, इन्हीं 5 मिलेट्स की चर्चा मैं कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो गुण है वो है कि ये नॉन एसिडिक ग्रेन है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जिसको एसिडिटी नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। उसके लिए गेहूं, चावल, दालें और मिलेट्स ये सब बराबर है, ठीक है। नॉन एसिडिक का क्या अर्थ है? देखिए, कुछ जो होती हैं चीज़ें, कुछ वस्तुएं होती हैं खाने वाली, जो थोड़ा गर्म होती है, ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अपना तासीर जिसको बोलते हैं, तो इसकी जो तासीर है वो मध्यम है, ना तो ठंडा है ना गर्म है। जैसे कि गेहूं की तासीर आप पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन गर्म है मुकाबले, ठीक है, मिलेट्स के मुकाबले क्या है, गर्म है। तो जब एक एसिडिटी वाले व्यक्ति को इसको खिलाया जाएगा तो वो साक्षात महसूस कर पाएगा कि हाँ, गेहूं गर्म है और मिलेट ठंडा, दोनों में वो डिफरेंस कर पाएगा बड़े आसानी से। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को दे दो तो वो तासीर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, उसके लिए दोनों बराबर है। तो तासीर वाइज जो है, मिलेट की तासीर ठंडी है, ठीक है, इतना ठंडा भी नहीं है, मध्यम में है, लेकिन गेहूं से ठंडा है। ये तो रही एक बात, ठीक है। देखिए, ये जो बात है तासीर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। क्योंकि ब्लड का जो तासीर है उससे मिलता जुलता ही चीज़ें हमें खानी चाहिए। अगर उसे मिलती जुलती चीज़ें आप नहीं खाएंगे ना, तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, ठीक है। आप रोज़ गर्म चीज़ खा रहे हैं, गर्मियों में भी गर्म चीज़ खा रहे हैं, तो क्या होगा, बीमारी होना तय है दोस्तों, ठीक है। आयुर्वेद में बिल्कुल क्लियर कट इस बात को लिखा गया है, समझाया गया है, और साक्षात मैंने अपनी बॉडी पे इस चीज़ का अनुभव कर चुका हूँ, ठीक है, जिसकी व्याख्या मैंने अपने पुस्तक में भी बड़े ही विस्तृत ढंग से किया है। एक व्यक्ति ने, एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टाइट फॉलोअर हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ की उस कॉलम की, इस वाले कॉलम की, जिसमें मैंने विस्तृत ढंग से समझाया हुआ है तासीर के बारे में, ठीक है। तो तासीर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, एसिडिटी की वजह से तकरीबन, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 30-40% बीमारियां होती हैं पूरी दुनिया में, 30-40% बीमारियां, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं तासीर कितनी महत्वपूर्ण है, तासीर कितनी इम्पोर्टेंट है। और जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती है, रहती है, वो जैसे ही मिलेट्स खाता है तो उसकी एसिडिटी जो है एकदम घट जाती है दोस्तों, ठीक है। हालांकि पूरी डाइट को फॉलो करना पड़ता है प्रॉपरली, जो मैं डाइट बताता हूँ, ठीक है। उस डाइट को फॉलो करने के बाद जब मिलेट्स भी इंट्रोड्यूस करता है व्यक्ति, तो ऐसे जो है वो डिफरेंस देख पाता है। तो ये तो रही दोस्तों तासीर की बात। दूसरी जो क्वालिटी है इसके अंदर वो है फाइबर की मात्रा, ठीक है। देखिए, हमारी पूरे
बॉडी को, पूरे शरीर को, मैं केवल डाइजेस्टिव ट्रैक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल डाइजेस्टिव कैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ नाड़ियों में जमी हुई गंदगी को भी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सेल के भीतर जमी हुई गंदगी को। कौन निकाल के लाएगा? ये निकालता है, क्योंकि इसमें फाइबर है, ठीक है, और वो फाइबर क्लिनजिंग करता है, इतना आप समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया कि फाइबर की संख्या 5% से लेके 12-13% तक है इसमें, और यही फाइबर पूरी बॉडी की सफाई करता है। तो इन ये जो दूसरा कारण है, ठीक है, मिलेट से, इस वजह से बीमारियों को ठीक करता है। तो ये तो हो गए दोस्तों दूसरा कारण। तीसरा जो है, देखिए, जब हम गेहूं चावल इत्यादि लेते हैं तो मुकाबले ब्लड शुगर लेवल जो है थोड़ा जल्दी बढ़ता है, ठीक है। हालांकि जो व्यक्ति नॉर्मल है, जिसको कोई समस्या नहीं है, वो इस चीज़ को महसूस भी नहीं कर पाएगा और उसको फ़र्क पड़ता भी नहीं है, ठीक है, उसको फ़र्क पड़ता भी नहीं, वो गेहूँ चावल खाता रहे, कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति समस्याओं में हो जाता है, ठीक है, जब बीमारियाँ होती हैं उसके शरीर में, तो फिर वो जो है बहुत जल्दी इमीडिएटली जो है उस डिफरेंस को पता कर लेता है। जब आप मिलेट्स खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे रिलीज होता है, ठीक है। जब आप गेहूं चावल खाते हैं तो ब्लड शुगर जो है अचानक से बढ़ जाता है, हालांकि स्वस्थ व्यक्ति को पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति को शुगर है उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो ये तीसरी चीज़ है जो कि मिलेट्स जिस वजह से जो है समस्त बीमारियों को ख़त्म करता है। और आज से 40-50 साल पहले दोस्तों, यकीन मानिए, हमारे पूरे देश में, ठीक है, मिलेट्स खाया जाता था और ये गरीबों का भोजन हुआ करता था। ये समझ लीजिए, अमीरों का भोजन चावल होता था, क्योंकि चावल उगाने के लिए पानी बहुत चाहिए होता था, ठीक है, तब चावल इतना नहीं उगता था, ठीक है, और जो है इतनी व्यवस्था थी नहीं पहले ट्यूबवेल वगैरह की, है ना, नहर वहर का इतना व्यवस्था नहीं था, अब तो हो गया है, चलो, तो सब लोग चावल उगा रहे हैं, खा रहे हैं मज़े से। तो जो है पहले के ज़माने में यही सब खाया करते थे और स्वस्थ होते थे। और थायराइड क्या होता है, बीपी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, शुगर क्या होता है, ये सब पता ही नहीं था। कई सारी बीमारियां तो मैं खुद स्वयं 25 सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि ये बीमारी भी होती है, शहर में रहते हुए भी और गांव का तो दूर ही, बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इन तीन कारणों से दोस्तों आपको मिलेट्स अपनी डाइट में शामिल करना, ये वो कारण है जो मैंने कहीं किताबों में पढ़ के या फिर किसी ने बता दिया, इस तरह से नहीं जाना है, मैंने जाना है स्वयं साक्षात, ठीक है, इसको ग्रहण करके जाना है, इन तीनों खूबियों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उन 5 मिलेट्स के मैं आपको नाम बोल देता हूँ और आप ये कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिल जाता है। देखिए, सबसे पहला है कोडो, ठीक है, कोदरा, फोक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप और लिटिल मिलेट, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोदरा, ठीक है, काकूम या कंगनी, ठीक है, कुटकी, सावा और हरी कंगनी, ये 5 मिनट से दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।